हेलो पाइसन्स, कैसे हैं आप लोग? जुलाई 22 स्टार्ट हो रहा है, आधा साल बीत गया। चैलेंजेस, हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स, सब चीज़ों को जूझ लिया। अब दोबारा से ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, दोबारा से ढर्रे पे आ रहे हैं। तो आपके लिए मैं आपके लिए लव रीडिंग लेके आई हूँ और करियर रीडिंग लेके आई हूँ। आई होप आपको अपनी रीडिंग्स पसंद आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पाइसन्स यानी कि मीन राशि वालों के लिए लव रीडिंग क्या कह रही है जुलाई के मंथ के लिए, ठीक है? तो आपका जो पहला कार्ड है पाइसन्स आया है वॉन्ट्स का, यानी कि आप कहा जाए तो आप वॉन्ट्स का मतलब है करियर, काम। इस वक्त ज़रा रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीज़ों में आपका ध्यान इस महीने होने नहीं वाला, क्योंकि ये करियर का कार्ड है। और करियर का कार्ड ये कह रहा है कि आपका फोकस कुछ कर दिखाने की है। आप ये सोच रहे हैं कि कुछ मैं चैलेंजिंग करके दिखाऊं, मैं कुछ करूं। और आपका जो पार्टनर है उनके लिए कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस यानी कि उनको उन वो जो है उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे मूड स्विंग्स चल रहे हैं, बहुत मूडी हो रहे हैं। और शायद वो आपको बहुत पूरी तरह से इस टाइम जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन है वो दे भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो खुद ही उनकी जो है इमोशनल क्या कहते हैं कन्फ्यूजन्स में चल रहे हैं, मूड स्विंग्स में चल रहे हैं। उनको कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है ना, अच्छा बुरा सब सोच रहे हैं, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो मेंटली कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा आपको प्यार नहीं मिल रहा है, बट और आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि आप भी बहुत ज़्यादा गिरी जा रहे हैं या प्यार मोहब्बत चाहिए या रिलेशनशिप उस तरह का चाहिए। हाँ, आप लोगों के बीच में प्यार ज़रूर है। देखिए, आपको कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, और पेज ऑफ कप्स कहता है कि यस, लव इज़ देयर, बट इस टाइम की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो रही है। आप बिल्कुल करियर फोकस हो रहे हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल इस टाइम मूडी हो रहे हैं। मूड करता है तो बात करते होंगे, मूड नहीं करता होगा तो नहीं बात करते होंगे, अपनी ही दुनिया में रहते होंगे। तो इस टाइम, इस महीने, जुलाई के महीने में आपका जो इतने टाइम से जो माइंडसेट चल रहा था वो चेंज होएगा, और एक स्किप नज़र आ रहा है कि जो आपकी लाइफस्टाइल चल रही थी उससे एक स्किप होगा और एकदम से आपके सामने सिर्फ करियर नज़र आ जाएगा। आपको लगेगा बस काम काम, मेरी नौकरी, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मेरा जो भी काम है उसकी तरफ आपका फोकस चला जाएगा, और आपके जो पार्टनर हैं वो भी अपने में ही मस्त हो जाएंगे और काफ़ी मूड स्विंग्स उनके नज़र आ रहे हैं। बट लव विल बी देयर, हाँ थोड़ा छुपा छुपा रहेगा, बीच बीच में आ जाएगा, सौहार्द रहेगा, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस दोनों अपने अपने लाइफ में थोड़े से बिजी नज़र आएंगे इस मंथ। अब हम देखते हैं करियर के लिए। तो करियर के लिए पाइसन्स, आपके लिए दिमाग तो आप बहुत तेज दौड़ा रहे हैं, बहुत घोड़ा भी दौड़ा रहे हैं, और बिल्कुल जुट जाएंगे, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। बस जुलाई का महीना आपको ये ना, ये यहाँ से घोड़े दौड़ाएंगे, यहाँ से घोड़े दौड़ाएंगे, बहुत प्लानिंग्स करेंगे, बहुत फोकस करेंगे कि हमें क्या कर डालूं, मैं क्या ना कर डालूं। हाँ, और उसका फ्रूट भी आपको मिलेगा 70%। मेहनत तो आप बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये करियर का कार्ड है और वो आपको बहुत फ्रूट भी देगा। बट हाँ, बस इतना से ये नज़र आ रहा है कि आप 100% मेहनत करेंगे तो उसका 70% ही आपको मिलेगा। बट येस, आप लोग अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ नज़र आ रही है, प्रमोशन नज़र आ रही है, अपलिफ्टमेंट नज़र आ रही है, और हाई ऑफिस नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन पैसा नज़र नहीं आ रहा। करियर अब का आपका बढ़ेगा, लेकिन अभी फाइनेंशियली आपके ब्लॉकेजेस ही नज़र आ रहे हैं, यानी लिक्विड मनी नहीं आता नज़र आ रहा। जो जैसा चल रहा था वो वैसे चलेगा, बट हाँ, काम में, करियर में आपकी ग्रोथ बिल्कुल नज़र आती है पाइसन्स। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए टैरो एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं पाइसन्स। वो कह रहे हैं डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल्स वाइजली। यानी कि आपको अपनी बैटल्स अपने हिसाब से चूज करनी है, कहाँ पे आपको अपनी शक्ति लगानी है, कहाँ आपको अपनी शक्ति नहीं लगानी, कहाँ क्या करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, सोच के समझ के फिर करना है। इट इज़ अ गुड कार्ड, काफ़ी प्रॉमिसिंग कार्ड है। और एंजल्स क्या कर रहे हैं, राइज अप योर हील्स, यानी कि बिल्कुल राइज अप, वो तो आप वैसे भी करने में तैयार ही हैं आप,
जुलाई शुरू हुआ, राइज अप योर हील्स, यानी कि बहुत टाइम से जो आपके शूज़ और सैंडल्स साइड में पड़े हुए थे वो बस अब बिजी होने वाले हैं क्योंकि आपने दौड़ लगानी है। तो पाइसन्स, ये था आपके लिए जुलाई मंथ के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करिएगा, 7 बजे के बाद मुझे कॉल मत करिएगा। और हाय, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना मैसेज करिए। मैं यकीनन आपका जो मैसेज पढ़ के आपको जो आपको जवाब देना चाहिए वो जवाब दूंगी, और कंडीशंस अप्लाई, यस, ज़रूर दूंगी। और जो है, आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए और मस्त रहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। अभी मुझे आके दीजिए, शुक्रिया।